वेंटिलेटर्स और N95 मास्क के ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करते हुए कैसे हम स्टेट्स को इसमें फर्दर सपोर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर भी, उससे संबंधित भी कुछ आदेश दिए गए हैं। आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि पीपी मास्क और वेंटिलेटर्स अब सप्लाई आनी शुरू हो गई है। जैसे कि उसमें ग्रुप में भी डिस्कशन हुआ, 20 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स इस देश में पीपीज के लिए डेवलप किए जा चुके हैं। 1.7 करोड़ पीपीज के अब तक ऑर्डर भी प्लेस किए जा चुके हैं और जिसके तहत सप्लाईज भी आना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 49,000 वेंटिलेटर्स के भी ऑर्डर प्लेस किए जा चुके हैं। साथ ही इन टर्म्स ऑफ लैब हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन हुआ, जिसके तहत कि हम हॉटस्पॉट या जो हमारे क्लस्टर्स वाले एरिया में हैं वहाँ पर हम लैब सैंपल्स को कैसे बढ़ाएं उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन हुआ। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने स्पेसिफिकली दो चीज़ों को हाईलाइट किया। एक, उन्होंने कहा है कि जो आज सैनिक के रूप में हम लोगों की सेवा करते हुए फील्ड पर काम कर रहे हैं, वह हेल्थ स्टाफ, वो डॉक्टर्स, उनको कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट मिले। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत ज़रूरी है इस समय इस सिचुएशन में हम किसी भी फेक न्यूज़ पर किसी भी तरह से बिलीव ना करें, कोई भी भय का माहौल उत्पन्न ना हो, जागरूक रहें। कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के कॉल सेंटर पर बातचीत करते हुए या हमारी वेबसाइट पर जाते हुए उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। भय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है कि हम अवेयर रहें कि इस डिजीज़ से हम कैसे बच सकते हैं। इसके साथ ही एक मुख्य अंश भी उस चर्चा में आया जो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा और आपके थ्रू मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक यह जो फीलिंग सिस्टम में क्रिएट हो रही है कि पीपी नहीं है, जो उस टाइप का एक भय का माहौल कर क्रिएट हो रहा है, उसमें हमें समझना चाहिए कि पीपीज हर लोगों को नहीं चाहिए। इसके लिए रैशनलाइजेशन ऑफ पीपी गाइडलाइंस हम इससे पहले भी इशू कर चुके हैं और आपके द्वारा मैं फिर सब लोगों को कहना चाहूँगा, जागरूकता की ज़रूरत है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। चाहे हमारे पास इनसफिशियंट क्वान्टिटीज़ में पीपीज हों या सफिशियंट हो, उससे भी ज़रूरी एक अंश जो होता है वह होता है कि जो भी चीज़ जहाँ ज़रूरत हो उसका वहाँ इस्तेमाल किया जाए। इसी के तहत हम लोगों ने हमेशा कहा है कि वाइल हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल है और ऑगमेंट करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन फील्ड लेवल पर पीपीज का इस्तेमाल उसके प्रोसेस के हिसाब से किया जाए। पीपीज को रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं आप सबके द्वारा फिर सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि काइंडली हमारी गाइडलाइंस को हमारी वेबसाइट पर समझें। हमने डिफाइन किया है कि पीपीज जहाँ भी यूज होते हैं वह तीन तरीके से, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क पर्टिकुलर जोन्स होती हैं जहाँ पर पीपीज का इस्तेमाल होना चाहिए। पीपी, मैं फिर आप लोगों के द्वारा बताना चाहूँगा, पीपी इज नॉट ओनली कवर ऑल, पीपी इज मिक्स ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स जैसे बूट्स, N95 मास्क, कवर ऑल और साथ में हेड गियर, उससे संबंधित कॉम्पोनेंट्स भी उसमें होते हैं। तो केवल जहाँ पर हमारा हाई रिस्क होता है वहाँ पर पूरा कॉम्पोनेंट यूज होते हैं, बाकी जहाँ पर हमारा मॉडरेट रिस्क होता है वहाँ पर N95 मास्क या ग्लव्स सफिशियंट होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सफाई या ट्रायजिंग से रिलेटेड काम कर रहा है तो वहाँ पर N95 मास्क और ग्लव्स सफिशियंट हैं। केवल इमरजेंसी रूम में, केवल मॉर्चुरी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, केवल जहाँ पर एक्चुअल में लैब सैंपल कलेक्ट हो रहा है वहाँ पर ही फुल कंटेनमेंट ऑफ पीपीज की ज़रूरत होती है। तो आपके द्वारा मैं सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि किसी भी तरह का कोई भय न रखें। सफिशियंट क्वान्टिटीज गवर्नमेंट के लेवल पर अफोर्ड कर स्टेट्स को प्रोवाइड की जा रही है, मैं इससे पहले बता चुका हूँ। और उसके साथ ही जो भी आइटम्स हैं उनको उनके प्रॉपर प्रोसेस से यूज़ किया जाए। जैसे मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि एक N95 मास्क है, वह एक बार यूज़ करने के बाद 8 घंटे तक यूज़ किया जा सकता है। अब हम उसको 8 घंटे यूज़ करे बिना केवल एक बार एक पेशेंट को देखें, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करके दोबारा एक N95 मास्क यूज़ करें तो वह मिसयूज़ होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम रैशनलाइजेशन की जो एक्सरसाइज है उसको प्रॉपर फॉलो करें। इसके साथ ही एक और अंश जो उस डिस्कशन में आया था वह ये था कि हमें ये समझना होगा कि HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन वह पर्टिकुलर नॉर्म्स के हिसाब से इस्तेमाल होनी चाहिए। हमने इससे पहले भी आप सब लोगों को द्वारा बताया है कि हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन जो केवल कॉन्टैक्ट्स को और डॉक्टर्स जो पॉजिटिव पेशेंट से डील कर रहे हैं केवल उनको ही दी जानी है और उससे संबंधित प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। यह पर्टिकुलर मेडिसिन जो है ये कार्डियक इरेगुलरिटीज और इसी तरह से जो लोग कार्डियक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए हानिकारक भी हो सकती है। हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसके तहत जिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लोगों को उसको इस्तेमाल करना है उसके अलावा कोई भी इसे इस्तेमाल ना करें। इसका जो डाउट है इसको फील्ड से निकालें। साथ ही इससे संबंधित जैसे कल भी आपने मेरे से पूछा था, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर
प्रॉपर लेवल पर हर लेवल पर डिस्कशन करते हुए जितनी हमारे को एस सी क्यू की जरूरत है उतनी सफिशियंट क्वांटिटीज एज एंड वेन जब जरूरत होगी उसके लिए देश ने हर तरह से तैयारी की हुई है। आज जितनी क्वांटिटीज चाहिए उससे ज़्यादा अवेलेबल हैं, फ्यूचर में जितनी क्वांटिटीज की प्रोजेक्शन हो सकती है उसका पूरी प्लानिंग करके 100% तरीके से गवर्नमेंट एस सी क्यू हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के बारे में सक्षम है। मैं आप सबसे आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अब हम लोग जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों की दृष्टि में लाता रहा हूँ कि हम लोग एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, डे टू डे की लड़ाई है, इसके लिए कहीं पर भी कोई कोताही ना हो, हर आदमी हमें अपना रिक्वायर्ड सपोर्ट देता रहे और हम मिलकर इस लड़ाई से जीत सकें, इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन बहुत मुख्य है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक बिहेवियरल चेंज के रूप में हमें अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं अपडेट करना चाहूंगी कि राज्य सरकारें लॉकडाउन के एनफोर्समेंट में कार्यरत हैं, साथ ही साथ जो व्यक्ति लॉकडाउन की वजह से स्ट्रैंडेड है उनकी सहायता के लिए राज्य सरकारें कई कदम उठा रही हैं। वे हेल्पलाइंस, एप्स, रिलीफ कैंप्स, शेल्टर्स, फूड कैंप्स इत्यादि द्वारा उनको सहायता दे रही हैं। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय में भी जो कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है उसके द्वारा उदाहरणतः कल कुल 300 से ज़्यादा समस्याओं का निदान किया गया। नॉर्थ ईस्ट के लिए लगाई गई हेल्पलाइन 1944 भी सुचारू रूप से सेवाएं प्रदान कर रही है। इन सब कदमों से हम उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। ICMR रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। ICMR की तरफ से मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा, कल तक के 130,000 पेशेंट के सैंपल टेस्ट किए गए, इसमें से 5,734 पॉजिटिव थे। अब तक के पॉजिटिविटी रेट अगर देखेंगे तो इट रेंजेस बिटवीन 3-5% इन द लास्ट 1-1.5 मंथ्स। इट हैज नॉट इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली। कल वी हैव टेस्टेड 13,143 सैंपल्स। दिस आर द अपडेट्स फ्रॉम ICMR। थैंक यू। पहला ऑनलाइन क्वेश्चन है, नाउ दैट इंडिया हैज सपोर्टेड the USA with HCQ, can it be presumed that the treatment strategy for India will change now? Do we have adequate supplies of the HCQ in the country for our own needs? It can not only be presumed, it can taken with 100% surety ki country ki jitne requirement HCQ ki hai wo desh mein available hai, future requirement ki projection ko analyze karte hue bhi usko ensure kiya ja chuka hai. Follow me, India Today. One question to ICMR and then to Mr. Agarwal. My question is about you giving permission for research protocol as far as clinical trials are concerned vis-a-vis the convalescent plasma therapy to Kerala. Can you tell us a little bit more about that? And Mr. Agarwal, you said about the GOM, which discussed about the sufficiency of PPE kits, N95 masks and ventilators as well as far as state needs are concerned. How are you meeting that? What sort of came up? Could you elaborate on that? Convalescent plasma का protocol अभी ICMR final stage में है, वो we will be finalizing that protocol और उसके बाद we will have to take approval of DCGI before conducting any clinical trial. It is not currently used or currently prescribed to give all patients. It will be used only in clinical trial mode before it is recommended for all other patients. Is it successful so far? In other countries, they have found it is successful, yes, in limited clinical trial, yes. And this is only for very severe patients who are on ventilators, not milder cases. Yes, of course, but one has to get approval from the DCGI before it is, the trial is done in other places. Ma'am, as I had mentioned earlier, the whole effort is being driven by public health experts, supported by Committee of Secretaries, chaired by Cabinet Secretary, and then after that group of ministers which provides us policy directions, and the whole effort primarily is monitored at the highest level in the country. Group of ministers jo aaj mile the, unhone puri situation ki samiksha ki, unhone ye dekha ki aaj hum log kis level par kaam kar rahe hain, hamare kya challenges future ke hain aur un future challenges ke liye kis type ki preparation desh mein zarurat hai. Jaise ki main aap logo ki drishti mein pehle bhi la chuka hu, उसके तहत ही उन्होंने डिस्कशन किया कि आज डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हमारा एक मेजर फोकस है, होना चाहिए।
कैसे हम स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स को और आगे बढ़ा सकते हैं। हॉस्पिटल्स का जो हमने कैटेगराइजेशन किया था केयर सेंटर्स के रूप में, ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड और क्रिटिकल बेड के रूप में, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे हम स्टेट्स को फर्दर सपोर्ट करें कि यह कार्य और त्वरित गति से आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को कैसे हमें रिवाइज करना है उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करके आदेश दिए गए। साथ ही हमारा मेजर फोकस क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स क्यों कैसे रहना चाहिए उसके ऊपर भी उन्होंने हमें डिटेल डायरेक्शन दी है। एक और ऑनलाइन क्वेश्चन है ICMR के लिए, हैव द 2.5 लाख टेस्टिंग किट्स अराइव्ड दैट वी वर एक्सपेक्टिंग टू बी डिलीवर्ड बाय 8th और 9th ऑफ अप्रैल? Well, these kits have not arrived yet, but they are expected any time. Neelu Anjan, please use mic, Neelu. सर कल से देख रहे हैं कि कई राज्यों में कंटेनमेंट प्लान जो है बहुत कड़ाई से लागू किया जा रहा है, एरिया को सील किया जा रहा है और लॉकडाउन को बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। पिछले 17 दिनों में ये काम क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं लगता कि राज्यों की जो लापरवाही रही उसी कारण आपके केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं? सर वी विल एंड अप डीमोटिवेटिंग द सेट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग एट फील्ड। आई थिंक वी शुड प्रोजेक्ट द क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंटली। हो ये रहा है कि फील्ड में शुरू से ही काम हो रहा है। आज भी जो आप रिजल्ट देख रहे हैं पिछले 2.5 महीने से, जब से कि पहला केस चाइना में रिपोर्ट हुआ था उसके बाद से ही जिले के लोग, स्टेट के लोग इसमें लगातार कार्य करते आ रहे हैं। और आप ये समझिए कि हम कोई भी एक्शन अगर स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर ले रहे हैं तो वो हमारा एक्शन होता है इनकमेंसरेट विद द टाइप ऑफ चैलेंज वी आर फीलिंग। तो आई वुड से कि वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट द स्टेट्स एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द हार्ड वर्क दे आर डूइंग एंड वी हैव टू कीप ऑन टेकिंग देयर हेल्प इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग दैट वी एक्चुअली एंड अप ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। साहिल फ्रॉम ANI। गुड आफ्टरनून, आई एम साहिल पांडे फ्रॉम ANI न्यूज एजेंसी। माई क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रीसेंट डेथ ऑफ अ डॉक्टर इन इंदौर हु कॉन्ट्रैक्टेड कोविड। सर हाउ कुड डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट कोविड डिजीज? ही इज द फ्रंटलाइन वर्कर। वॉज देयर इनफ PPE अवेलेबल ओवर देयर इन द हॉस्पिटल? बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एंड यू मेंशनड दैट PPE इज नॉट एब्सोल्यूटली नेसेसरी और इट्स नॉट रिक्वायर्ड ऑल द टाइम। Sir, one more thing is that many doctors are getting assaulted as well. What do you have to say on that? Thank you. Sir, मैंने दोनों विषय में एक्चुअली मैं काफ़ी डिटेल में आज बताया था, बट सिंस यू आस्क्ड तो मैं फिर दोबारा से आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर ट्रेनिंग में एक फोकस करते हैं कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की रिक्वायर्ड गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, क्योंकि वह बहुत ज़रूरी है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पेशेंट का ट्रायजिंग करें, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करें, पेशेंट का ट्रीटमेंट करें। अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऐसी आती है कि हमारा कोई मेडिकल स्टाफ किसी भी कारणवश अगर वो इन्फेक्ट होता है तो इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम फॉर अस एंड वी वुड रियली अर्ज कि जो गाइडलाइंस हैं फील्ड लेवल पर वो फॉलो की जाएं। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था प्रोटेक्शन, तो इसका ही दूसरा आस्पेक्ट ये है कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो फील्ड वर्कर हैं, अब आप ये समझिए कोई भी जब हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन की भी बात करते हैं तो हर तरह का रिस्क लेके आज जो हमारा फील्ड का हॉस्पिटल स्टाफ, हमारे डॉक्टर जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, जब वे इस तरह के खतरे को होते हुए भी हर तरह से सपोर्ट करें तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उनके लिए खड़े और उनका सपोर्ट लें? तीसरा, आपने PPE के लिए कहा, मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ जहाँ पर PPE की ज़रूरत है वहाँ पर प्रोवाइड करे जा रहे हैं। PPE के बारे में देश में शुरू में समस्या थी, जब कोई चीज़ देश में इम्पोर्टेड होती है और जो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होती, उसके बाद देश में पिछले 2 महीने के एफर्ट्स के बाद हमने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को मैच्योर किया है, वह सप्लाई देना शुरू कर चुके हैं और वह सप्लाई साथ में हम स्टेट्स को प्रोवाइड भी कर रहे हैं। मैं आपसे जो विषय आज आपके द्वारा हाईलाइट करना चाहता हूँ वह यह है कि PPE के बारे में भी जिसे कहते हैं अफवाहें या डर की जरूरत नहीं है। हमारी गाइडलाइंस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली PPE शुड बी मेड अवेलेबल बट उनका रैशनल यूज हो, जहाँ जिस लेवल की जरूरत हो उसको उस लेवल पे यूज किया जाए। अब मान लीजिए लिमिटेड सप्लाई की कोई चीज़ है, अगर मुझे उसको, मैंने जैसा आपको N95 मास्क के बारे में बताया कि मैं एक दिन में 4 N95 मास्क भी यूज कर सकता हूँ, 4 बार अलग अलग मास्क यूज करते हुए एक दिन में मैं एक भी यूज कर सकता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं कि वाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई को ऑगमेंट कर रही है स्टेट्स के साथ मिलकर, साथ ही हम सबसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसका रैशनल यूज भी हो। फ्रेंड्स, कुछ अनाउंसमेंट है आपके लिए। इंडियन रेलवेज हैज सो फार प्रोड्यूस्ड अबाउट 6 लाख रीयूजेबल फेस मास्क
and more than 40,000 liters hand sanitizer. Ministry of HRD regarding the training component. Government has launched a training module for management of COVID-19. Integrated government online training portal on Diksha platform of the Ministry of HRD. And from the Housing and Urban Affairs, Swachhta app has now been modified and strengthened further in order to enable the citizens to get their COVID-related complaints also addressed through the urban local bodies. Now the last question, number 14. Sir, please let him ask the question. सेंटर ने स्टेट के लिए पैकेज अनाउंस किया है, वो कितना बड़ा पैकेज है, इसे क्या मायने? सर, सेंटर ने स्टेट के लिए किस, आप किस पैकेज की बात करें? बिकॉज मल्टीपल पैकेजेस हम अनाउंस कर चुके हैं. ओके. सो बेसिकली ये कोविड इमरजेंसी पैकेज जो हमने लिखा है स्टेट्स को, इस पैकेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक स्पेसिफिक पैकेज है, कोविड 19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज. ये अप्रूवल हो चुका है, इसके लिए हमने आज ही स्टेट्स को लिखा है. मैं एक्चुअली में इसकी और डिटेल्स के साथ कल आपके पास आना चाहता था, बट क्योंकि आपने पूछा तो मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि इस पैकेज के द्वारा 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है ये, जिसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग देयर हेल्थ सिस्टम्स, सपोर्टिंग देयर प्रिवेंशन प्रिपेयरनेस एक्सरसाइज, प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स और ड्रग्स, और साथ ही सर्वेलेंस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग अपग्रेडेशन ऑफ लेबोरेटरीज. और इसके तहत स्टेट्स पीपीज एंड 95 मास्क, वेंटिलेटर्स या कोई और भी सप्लाईज हैं वह भी खरीद सकते हैं, जिसको टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी. साथ ही हम कम्युनिटी सर्वेलेंस एक्टिविटीज के लिए भी इस फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एम्बुलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं. यह अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी वी हैव रिटर्न टू स्टेट्स, और इसकी डिटेल और सारी डिटेल हम स्टेट को जल्दी ही कम्युनिकेट भी करने वाले हैं. Thank you very much, friends. Thank you. So that's what I'm saying. I will come back to you with all the details, not only how much money is there, how it is going to be spent, we'll explain to you in greater detail.